हेमा मालिनी की पहली फिल्म आती है 1968 में सपनों का सौदागर। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1969 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है वारिस। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है जहां प्यार मिले। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1970 में हेमा की अगली फिल्म आती है तू हंसी मैं जवां। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल अगली फिल्म आती है सराफत। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है अभिनेत्री। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है आंसू और मुस्कान। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है जॉनी मेरा नाम। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। 1971 में अगली फिल्म आती है प्यारा धन। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है नया जमाना। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है लाल पत्थर। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है अंदाज। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है तेरे मेरे सपने। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 1972 में हेमा जी की अगली फिल्म आती है सीता और गीता। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है राजा जानी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल अगली फिल्म आती है गोरा और काला। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है भाई हो तो ऐसा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 1972 में अगली फिल्म आती है बाबुल की गलियां। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1973 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है सरीफ बदमाश। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है छुपा रुस्तम। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है गहरी चाल। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है जुगनू। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है जोशीला। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है प्रेम परवाद। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1974 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है दुल्हन। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है अमीर गरीब। यह फिल्म दोस्तों हिट रही। इसी साल अगली फिल्म आती है दोस्त। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है प्रेम नगर। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल अगली फिल्म आती है कसौटी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है पत्थर और पायल। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है हाथ की सफाई। यह फिल्म दोस्तों सेमी हिट रही। 1975 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है सुनहरा संसार। यह फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है सन्यासी। यह फिल्म दोस्तों ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है कहते हैं मुझको राजा। यह फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है दो ठग। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है धर्मात्मा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल अगली फिल्म आती है खुशबू। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है प्रतिज्ञा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है शोले। यह फिल्म दोस्तों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 1976 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है सरापा छोड़ दी मैंने। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है ना छूटे संसार। यह फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है माँ। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है चरस। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है आप बेटी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है दस नंबरी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल अगली फिल्म आती है महबूबा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है जाने मन। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1970 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है शिरडी के साईं बाबा। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है किनारा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है खेल खिलाड़ी का। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है ड्रीम गर्ल। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसी साल अगली फिल्म आती है धूप छांव। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है चाचा भतीजा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसी साल अगली फिल्म आती है पलकों की छांव में। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1978 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है दिल लगी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है आजाद। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है अपना कानून। यह फिल्म दोस्तों हिट रही।
इसी साल अगली फिल्म आती है त्रिशूल। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। 1979 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है रत्नादीप। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है जनता हवलदार। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है दिल का हीरा। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है मीरा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है हम तेरे आशिक हैं। यह फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। 1980 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है द बर्निंग ट्रेन। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है बंदिश। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है दो और दो पाँच। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है अली बाबा 40 चोर। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। 1981 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है मान गए उस्ताद। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है ज्योति। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है दर्द। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है आसपास। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है क्रोधी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है क्रांति। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है नसीब। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है कुदरत। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा जी की अगली फिल्म आती है मेरी आवाज़ सुनो। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। 1982 में हेमा जी की अगली फिल्म आती है सम्राट। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है फर्ज और कानून। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है दो दिशाएं। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है बगावत। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है सत्य व्यसत्ता। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है राजपूत। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है देश प्रेमी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है मेहरबानी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1983 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है तकदीर। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है रजिया सुल्तान। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है अंधा कानून। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है नास्तिक। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है जस्टिन चौधरी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1984 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है सरारा। यह फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है राम तेरे देश। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है राज तिलक। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है कैदी। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है एक नया इतिहास। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1985 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है फांसी के बाद। यह फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है दुर्गा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है आंधी तूफान। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है रामकली। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है युद्ध। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है हम दोनों। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है बाबू। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1986 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है एक चादर मैली सी। यह फिल्म दोस्तों फ्लॉप रही। 1987 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है सीतापुर की गीता। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है हिरासत। यह फिल्म दोस्तों हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की फिल्म आती है अपने अपने। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है अंजाम। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है जान हथेली पे। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है कुदरत का कानून। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1988 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है विजय। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है मोहब्बत के दुश्मन। यह फिल्म दोस्तों हिट रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है रिहाई। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1989 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है गलियों का बादशाह। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है सच्चे का बोलबाला। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल हेमा की अगली फिल्म आती है संतोष। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है देश के दुश्मन। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही।
इसी साल अगली फिल्म आती है पाप का अंत। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1990 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है षड्यंत्र। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है लेकिन। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1991 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है जमाई राजा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल अगली फिल्म आती है मेरी जान। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1995 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है परमवीर चक्र। यह फिल्म दोस्तों डिजास्टर रही। 1996 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है आतंक। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल अगली फिल्म आती है माहिर। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 1997 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है हिमालय पुत्र। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1998 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है स्वामी विवेकानंद। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। साल 2000 में अगली फिल्म आती है राम। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2001 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है सेंसर। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2003 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है बागवान। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साल 2004 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है वीर जरा। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साल 2005 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है बागमती। यह फिल्म दोस्तों डिजास्टर रही। साल 2006 में अगली फिल्म आती है बाबुल। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। साल 2007 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है लगा चुनरी में दाग। यह फिल्म दोस्तों एवरेज रही। साल 2010 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है शादियां। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। साल 2011 में अगली फिल्म आती है बुढ़ा होगा तेरा बाप। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल अगली फिल्म आती है आरक्षण। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2013 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है महाभारत। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 2017 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है एक थी रानी ऐसी भी। यह फिल्म दोस्तों डिजास्टर रही। 2020 में हेमा मालिनी की अगली फिल्म आती है शिमला मिर्च। यह फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही।